कि जो हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज की कार्यवाही गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस सदन के सदस्य संकल्प प्रस्तुत पर रहेगी। इससे पहले तीसरे दिन दिन भर पक्ष विपक्ष के बीच सवालों जवाबों का दौर चला। सुखू सरकार ने केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की मांग की है और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के माध्यम से पारित हो सका, जिसका विपक्ष ना तो विरोध कर पाया और ना ही सर्व सहमति बन पाई। इससे पहले संकल्प प्रस्ताव को लेकर सदन में गहमा गहमी हुई। संकल्प प्रस्ताव सोमवार को सरकार की ओर से नियम 102 के तहत लाया गया था, जबकि विपक्ष इस पर नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया था। आपको ये बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सरकार की ओर से पहले लाए गए प्रस्ताव को मानते हुए इस पर चर्चा करवाई और विपक्ष के प्रस्ताव को इसमें अटैच कर दिया गया। इसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन इस पर चर्चा की गई, जिस पर सीएम सुखू ने विधानसभा में चर्चा पूरी होने के बाद सरकार के संकल्प प्रस्ताव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहयोग देने की अपील की। इसके बाद सदन में वॉइस वोटिंग के माध्यम से इसको पास कर दिया गया। विपक्ष इस प्रस्ताव पर तटस्थ रहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखू ने विधानसभा में कहा कि आईआईटी मंडी हिमाचल में आई आपदा का विस्तृत अध्ययन करेगी और भूस्खलन को लेकर देश के टॉप संस्थानों से स्कॉलर्स की टीम का भी गठन किया जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सदन के तीसरे दिन की कार्रवाई गहमा गहमी इस दौरान देखने को मिली, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रस्ताव पारित हुआ हिमाचल प्रदेश में, जो आपदा आई थी उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें विपक्ष की जो भूमिका रही उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना तो वो पूर्ण समर्थन दे पाए और ना ही इसका विरोध कर पाए। रणबीर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरे दिन की जो कार्यवाही थी वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए रही क्योंकि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर जो प्रस्ताव था सीएम के द्वारा वो पारित कर दिया गया। विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि ना तो पूरी तरह समर्थन दे पाए और ना ही पूरी तरह पुरजोर विरोध कर पाए। रणबीर जी हाँ, बिल्कुल, ये डे वन से लग रहा था जब मानसून का सत्र शुरू हुआ था कि सियासत यहाँ पर किस तरह की रहने वाली है। पिछले कल भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ जो हिमाचल भाजपा है उसकी कुछ जो है राजनीतिक मजबूरी भी हो सकती है, जो बाध्यता है पार्टी की आलाकमान की तरफ से, आलाकमान की लाइन कुछ अलग हो सकती है, यहाँ की लाइन कुछ अलग है, तो जाहिर सी बात है कि आलाकमान की तरफ से जो निर्देश हुआ होगा तो वही यहाँ पर हिमाचल में जो भाजपा के विधायक है उन्हें जो है उसी लाइन पर चलना होगा। खैर, 12,000 करोड़ का जो प्रस्ताव है वो यहाँ से पारित किया गया है, उसको केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र की तरफ से ये देखना होगा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है या नहीं। बड़ी बात इसमें यह भी रही कि पिछले कल जब चर्चा हुई, हालांकि चर्चा में कोई ज्यादा ऐसा व्यवधान देखने को नहीं मिला, सार्थक चर्चा हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से खूब सारी बातें कही गई, सवाल दागे गए, टिप्पणियां की गई और कई जगह पर जो है तल्ख टिप्पणियां भी की गई, तो कुल मिलाकर चर्चा जो है अच्छी रही और सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई, लगभग अधिकतर सदस्यों ने यही कहा कि जो पक्ष है उसको समर्थन करना चाहिए इस प्रस्ताव का। हालांकि इस प्रस्ताव पर जो है चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी, बिना चर्चा के इसे जो है सीधे तौर पर पास किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री जब चर्चा का जवाब दे रहे थे उन्होंने भी दो बार विपक्ष से आग्रह किया कि आप जो है इसका समर्थन करें। खैर, अभी जो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी जो है अभी ठीक 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। अभी कुछ अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीपीएस मोहनलाल बरागटा अभी जो है वो अभी काउंसिल चैम्बर में गए हैं। आज गैर सरकारी कार्य दिवस है तो आज 3 संकल्प जो प्रस्तुत किए जाएंगे। जो पहला संकल्प है वो भवानी सिंह पठानिया का, जो फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक है, उनका यह संकल्प है कि जो किसी पशु को बाहर खुले में छोड़ता है और उसे एक संगीन जुर्माना जाए और इसमें जो है कम से कम 3 साल सजा का प्रावधान हो, एक संकल्प ये आज पेश किया जाएगा। दूसरा जो है एक पुराना संकल्प भी है जो जीतराम कटवाल, जो सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए
और जो विषमताएं हैं समाज में उसको दूर करने के लिए जो प्रस्ताव है वो लेकर आएंगे, वो संकल्प पेश करेंगे। और एक इंद्रदत्त लखनपाल जो कांग्रेस के विधायक है, एक संकल्प उनकी तरफ से लाया गया है कि जो निजी भूमि में ये देखा गया, खासकर गांव में ये देखा जाता है कि निजी भूमि में एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए बहुत बार जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, रास्ता नहीं होता, रास्ते को लेकर बहुत सारी जो है झगड़े होते हैं, इसको लेकर कोई कानून बनाया जाए, सदन इस पर विचार करे, एक इस पर एक कानून बनाया जाए कि ये लड़ाई झगड़े ना हो, एक किसी को जो है दूसरे अपने खेत में जाने के लिए किसी तरह का व्यवधान ना हो, कोई कानूनी प्रावधान इसमें हो ताकि ये झगड़े की नौबत ना हो, ये संकल्प जो है आज लाया जाएगा, ये आज जो है लिस्टेड है आज की कार्रवाई में। जासमीन, बिल्कुल रणबीर, भले ही आज गैर सरकारी दिवस है लेकिन जो तीन संकल्प जिनका जिक्र आपने किया वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और किस तरीके से इन्हें पेश किया जाता है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रणबीर, नजर आप बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।